मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख देता हूं कि 1 साल के अंदर राहुल कन्वर की कार जो होगी वो इलेक्ट्रिक की होगी, क्योंकि उसको पैसे बचत है वो लेने वाला है। सो बाकी का सर आपके पेट्रोल के प्राइस पूरे कर देंगे। पेट्रोल को बंद करना है जी, वही मैं पेट्रोल डीजल के इंपोर्ट को बंद करना, पोल्यूशन को कम करना, और बायोफ्यूल इलेक्ट्रिक इथेनॉल मिथेनॉल बायोडीजल सीएनजी, और अगर मजबूरी है तो एलएनजी और एलपीजी यूज करेंगे। बाकी ये जो पेट्रोल डीजल का पोल्यूशन, देखो आप दिल्ली है, आप भुगत भोगी हो कितना पोल्यूशन है। हमारे डॉक्टर के 50% बिल हमारे एयर पोल्यूशन के और वाटर पोल्यूशन के कारण जा रहे हैं। और इसलिए मैं बहुत आइडिया क्लियर है मेरी, मैं 2009 से बोल रहा हूँ, तब मैं अकेला था, तब मुझे लोग आउट ऑफ बॉक्स बोल रहा था, मेरी बात सुनने में अड़चन आ रही थी, ये क्या बोल रहा है इथेनॉल इथेनॉल। अब दुनिया बोल रही है, वर्ल्ड बोल रहा है, और पेट्रोल डीजल के ऊपर अब दादागिरी किसी देश की नहीं चलेगी। अल्टरनेटिव एनर्जी का ऑप्शन है, और ग्रीन हाइड्रोजन ये फ्यूचर फ्यूएल है, और हिंदुस्तान ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाली वर्ल्ड की पहले नंबर की ताकत होगी। ये प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाकर दिशा दी है, और उसमें भी इतना काम हो रहा है कि वी विल बी द वर्ल्ड लीडर। जैसे अभी ये क्रूड ऑयल पर डिक्टेट कर रहे हैं ना टर्म, वैसे हिंदुस्तान ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अपनी टर्म डिक्टेट करेगा।